हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं उपवास में खाने के लिए तहरी। तो इसके लिए हमने मसाला तैयार करने के लिए टमाटर, काजू और मिर्चा का पेस्ट बना लिया है, और इसके बाद हमने ये तिन्नी का चावल लिया है, इसको हमने भिगो के रख दिया है। कुकर में हम डालेंगे 2 चम्मच घी और फिर अपने टमाटर, काजू और मिर्चे का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई भूनेंगे। भुनने के बाद इसमें हम अपना चावल ऐड कर देंगे। इनको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर इसमें हम जीरा पाउडर और काले मिर्च पाउडर डाल देंगे, आलू डाल देंगे और सेंधा नमक ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे। बस इनको हम 4 से 5 मिनट और फ्राई करने के बाद इनमें हम पानी डाल के और 2 व्हिसल आने तक कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम ही रखना है हमें, हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि चावल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। नमक हमने लास्ट में ऐड किया है और बस अब इसमें व्हिसल आने तक कुक कर लेते हैं। फिर हम रायता तैयार कर लेंगे। हमने दही लिया है, उसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक और उनको अच्छे से मिक्स करके उसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ खीरा। तो बस हमारा ये खीरे का भी रायता रेडी है और हमारा चावल भी पक चुका है, तो हमारी तहरी भी रेडी है। तो बस आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग बन के रेडी हुई है। अब इसको हम सर्व करते हैं। तो हमने टमाटर, खीरे का सलाद, रायता और तहरी के साथ आज ही थाली रेडी की है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बैक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।